Hi everyone, press the bell icon for latest updates and subscribe to the channel. सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जफर स्टूडियो में, जहां पर कॉन्सेप्ट्स और डिमांड आपकी होती है और फोटो एडिटिंग मेरी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये रिम लाइट के ऊपर है। किसी बंदे ने इसका डिमांड भी किया था और मुझे एक्चुअली सिखाना भी था आप लोगों को रिम लाइट की फोटो एडिटिंग, बट मैं सोच रहा था कि किस तरह से आपको बताऊँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से डिटेल्स में बताऊँगा। वीडियो बहुत लंबी थी, करीब 25 मिनट की, तो मैंने इसको छोटा करके 13 मिनट किया है। तो आई होप आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए। इसके साथ साथ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, क्योंकि अगर लाइक नहीं करोगे तो फिर मेरा वेस्ट हो जाएगा इतना सारा मेहनत। और एक और चीज़ की एक एनिमेटेड इफेक्ट मैंने ऐड किया था, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये एनिमेटेड इफेक्ट कैसे आया। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बहुत पहले बना रखा है, आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। वो वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं कि किस तरह से एनिमेट कर सकते, कलर चेंज कर सकते, बार बार चेंज हो रहा था GIF में वो कैसे कर सकते। और इस सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे वेबसाइट पे जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो गाइज, आपने करना ये है कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। सबसे पहले ये बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली जाना है ड्रॉ टूल में। ओके, ड्रॉ टूल में बहुत सारा काम है जो आपको करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको लेयर में टच करना है। तो यहाँ लेयर ओपन हो जाएगा, ऊपर में एक प्लस का आइकॉन दिखेगा आपको। ओके, तो यहाँ से मैं ऐड फोटो लेयर लेता हूँ। यहाँ से हमें क्या करना है, अपना मॉडल ले लेना है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देखकर सीख सकते हैं। अब ये जो खाली लेयर था, मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ ग्लो वाला जो रिंग है जो गले में पहना हुआ था वो कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको कलर में बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आप एक अच्छा ग्लोइंग कलर ले लीजिए, आपका जो दिल करे। मैं येलो कलर ले रहा हूँ। ओके, अब शेप में जाइए, यहाँ से सर्किल चूज़ कीजिए। ओके, तो मैंने सर्किल लिया और इस तरह से यहाँ ड्रैग करके सर्किल बनाइए। देखिए इस तरह से बन गया। अब आपको क्या करना है कि ब्रश पे डबल टैप करना है और इसकी सेटिंग चेंज करनी है। तो मैं इसकी ओपेसिटी करीब रखूँगा 50% ही रखे, और साइज़ अपने हिसाब से, और इसको सिर्फ नॉर्मली क्लियर कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से बनेगी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने बना कर रखा है पहले से, तो मैं ऐड फोटो लेयर से जाकर इसे ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने कलर पहले से सेट कर रखा है, आपको जिस भी कलर का बनाना है वैसे ही काम करना होगा। ओके, अब आपको करना ये है कि 3 डॉट में जाइए, इसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कीजिए। ओके, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको दोनों उंगलियों से पिंच कीजिए और इसे बड़ा कीजिए, आउटसाइड पिंच करेंगे। ओके, बड़ा कर देने के बाद क्या होगा, ये पूरा जो लेयर है ये येलो कलर का हो जाएगा। कूल, अब आपको क्या करना है, इस लेयर को कॉपी कर लेना है। तो ये हमारा दो येलो हो जाएगा। अब हमें मॉडल को लेना है। ओके, मॉडल को एक बार कॉपी कर लेंगे। फाइन, तो मॉडल हमारा ऊपर रहेगा और येलो वाला इसके नीचे रहेगा। मॉडल का जो ब्लेंड मोड है मॉडल का, उसको हमें करना है XOR। ठीक है, और इसके बाद इसको 3 डॉट में जाके हमें क्या करना है, मर्ज कर देना है। फाइन, अब नीचे वाला जो लेयर देख रहे हो येलो वाला, जिसका मैंने अभी ऑफ किया था। ओके, ये अब इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, सबसे ऊपर। ओके, और उसके नीचे वो पहले वाला येलो होगा। तो जो ऊपर वाला येलो है, जो इसमें कुछ भी नहीं है, उसका ब्लेंड मोड भी 100R करेंगे। ठीक है, और 3 डॉट में जाके इसको मर्ज कर देंगे। तो ये देखिए, ये जैसे शेडो हम लोग ब्लैक बनाते थे वैसा ही कुछ फॉर्म हुआ है। कूल, अब क्या करना है, दोनों लेयर को ऑफ कर देना है, यानी मॉडल वाला और बैकग्राउंड वाला, और इस फोटो को कर लेना है सेव, जिससे ये PNG में सेव हो जाएगा। अब ड्रॉ टूल से हमें क्या करना है, बाहर निकल जाना है। फाइन, अब हमें असली काम करना है, यानी कि अब हमारी एडिटिंग कंप्लीट होगी। तो आपको सिंपली जाना है यहाँ से ऐड फोटो में, यहाँ से आप अपना मॉडल ले लीजिए। अगर बैकग्राउंड वगैरह इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में हाउ टू इरेज बैकग्राउंड, देखकर अच्छे से सीख सकते हो। ओके, बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। इसके बाद आप मॉडल को एडजस्ट कर लीजिए। तो एडजस्टमेंट में जाएंगे, ब्राइटनेस इसकी कम कर देंगे और यहाँ पर सैचुरेशन को भी कम करना होगा, जिससे ये बैकग्राउंड के साथ अच्छे से मैच कर पाए, क्योंकि बैकग्राउंड पहले ही डिसैचुरेटेड है। ओके, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी और कम करता हूँ। ओके, डन। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है ऐड फोटो। ओके, ऐड फोटो से मैं क्या लूँगा, ये जो येलो वाला है, सॉरी, एक काम कीजिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ चैन। देखिए,
अगर आप लोगों के गले में चैन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये वाला पीएनजी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये जो हमारा ग्लो वाला जो रिंग बनाया था, ये रिंग मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। कूल, अच्छा लग रहा है। अब इसको जूम कर लेता हूँ और इरेजर में जाता हूँ और इरेजर में ये वाला हिस्से से इरेज कर लिया, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये रिंग फंसा हुआ है इसके अंदर। ओके, अब आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से जो येलो वाला बनाया था उसे लेना है। पूरे फोटो पे हमें क्या करना है, स्प्रेड करना है, यानी कि पूरी तरह से ये फोटो पे सेट हो जाए। कूल, यहाँ पर ये सेट हो चुकी है। अब इरेजर में जाना है, इन्वर्ट करना है। अच्छा, एक बात सिखा देता हूँ, देखिए आपको बनाना है कैसे रिम लाइट। सिंपल एक लाइन खींचना है। ओके, अब इरेजर में जाना है, ठीक है। इसका जो दोनों मुंह होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, दोनों का मुंह जो होगा एकदम पतला होगा, नैरो होगा। ओके, अब बीच में वाइड होगा इस तरह से, देखिए। यानी कि रिम ऐसे ही काम करता है कि सामने का जो स्टार्टिंग होगा एकदम पतला होगा, बीच का थोड़ा सा मोटा होगा और पूरा एंड पतला होगा। ऐसा नहीं कि एक सिंपल सा लाइन खींच दिए, वैसा नहीं होगा, ठीक है। मैं सबको मिटा लेता हूँ, अब एक बार बना कर देखते हैं, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ, तो सारा लाइन मैं खींच लेता हूँ सबसे पहले, बाद में इरेज करके वैसा पतला वाला रिम लाइट बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, ओके, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोग सोच लीजिए कहाँ कहाँ आपको लाइट देना है। ओके, मैं यहाँ दे रहा हूँ, देख लीजिए, फाइन हो गया। अब आपको दिखाता हूँ रिम लाइट कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैंने साइज़ वगैरह बढ़ा लिया, हार्डनेस को कम कर लिया है, अब देख सकते हैं किस तरह से काम कर रहा हूँ मैं। जूम करता हूँ इसको, देखिए एक बनाकर दिखाऊंगा, बाकी सारा स्पीड में करूँगा। ओके, देखिए किस तरह से बना रहा हूँ। देखिए साइड का दोनों एजेस जो है वो पतला है और बीच का जो हिस्सा है वो मोटा है हल्का सा। कूल, समझ आ गया। अब बाकी सबको कर लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ, मेक श्योर आप अपना टाइम लें। और अगर मान लीजिए कि दो तीन कलर का बनाना है, तो आपको जो ये येलो वाला फोटो मैंने पूरा बना कर दिया, ऐसा आपको येलो में बनाना होगा या फिर रेड में बनाना होगा, ग्रीन में बनाना होगा, ये डुअल कलर में बना होगा, तो तीन चार बार बनाना होगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक अच्छी फोटो एडिटिंग नहीं होती है। ये आपको भी पता है और ये बात मुझे भी पता है अच्छे से, ठीक। तो ये वाली एडिटिंग करने में भी मुझे भी बहुत वक्त लगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे फाइनली मैंने कर लिया है। ओके, किस तरह से कि आपको समझ आ गया होगा रिम लाइट वाली एडिटिंग। अब आपको क्या करना है, इरेजर में जाना है, ओपेसिटी डाउन करनी है और जो रिम जो है दूर है उसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेना है, क्योंकि उस पर कलर जो है बहुत ब्राइट नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा दूर होना चाहिए, ठीक है। जो नज़दीक में उसका जो ब्राइटनेस ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि जो दूर है उसका ब्राइटनेस कम होना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन सा सेंस है। ओके, यहाँ पर ये एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको मैं कर देता हूँ डन। कहाँ गया डन, ये रहा। अब आपको यहाँ पर हाथों के पास हमें टैटू ऐड करना है। ओके, ऐसा लगे कि रियलिस्टिक टैटू है। तो ऐड फोटो में जाएंगे, ये रहा हमारा पहले से किसी का हाथ का टैटू था, मैंने काट कर निकाला हुआ था। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर लूँगा इस तरह से, हाथों के पास ऐसे सेट कर लीजिए। ओके, एंड इसका ब्लेंड मोड चेंज करके देखते हैं कि कौन सा अच्छा होगा। मेरे ख्याल से डार्क, ठीक है, फिलहाल देखते हैं। यहाँ पे ऐसे सेट कर लेते हैं हाथों के पास। इसके बाद आपको जाना होगा इरेजर में। ओके, मैं पहले सेट कर लेता हूँ, ये रहा। अब आपको क्या करना है, जूम करना है और एक्स्ट्रा पार्ट्स को मैं जल्दी जल्दी रेज कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरह से मैंने रेज कर लिया है, देखिए हाथों के पास अच्छे से। ओके, तो ये कूल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस, आई थिंक इसको मल्टीप्लाई करते एक बार। ओके, ये बहुत अच्छी लग रही है। इसका जो ओपेसिटी है थोड़ा डाउन कर लेते हैं ताकि और रियलिस्टिक लुक आ जाए, करीब 60%, 66, ठीक है चलेगा। तो आप देख सकते हैं ये एकदम रियल लग रहा है हाथों का टैटू। ओके, अब सिंपली जाना है ड्रॉ टूल में और फोटो को कर लेना है सेव। आई होप आप लोग ये चीज़ें सीख चुके होंगे, लेकिन असली मज़ा अभी लाइटरूम में आएगा। ओके, लाइटरूम में इतना मज़ा आने वाला है कि आप लोगों ने ऐसी एडिटिंग देखी तो नहीं होगी कभी फ़ोन में। खासकर आपको जाना है प्रीसेट में, क्रिएटिव नाम का एक फोल्डर होगा। ओके, इसमें आप जाइएगा तो आपको एक मिलेगा फ्लैट एंड ग्रीन, ये वाला प्रीसेट आप ले लीजिए। तो देखिए ये चेंज हो चुका है, इसका लुक ग्रीन ही लुक आ चुका है, फाइन। अब इसमें हमें क्या करना है, जाना है सिलेक्टिव टूल में, प्लेस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे हमें सर्किल। ओके, इस सर्किल को इतना रखना है जितना
कि हमारा जो लाइट आ रहा है वहीं तक रखना है। इसके बाद साइड में एक इन्वर्ट का ऑप्शन आएगा, देखिएगा ये जो मैं इसको सेट कर लूँ, देखिए ये साइड में इन्वर्ट का ऑप्शन, जिससे क्या होगा ये पूरी तरह से इन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें चेंज करना है इसका एक्सपोजर, साइड साइड का एक्सपोजर क्या करेंगे कम कर लेंगे, जिससे आसपास की जो लाइटनिंग है वो कम हो जाए और थोड़ा सा करीब ब्लैक्स कम करेंगे कूल, और शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देखिए ये काफ़ी अच्छी लग रही है। ओके अब आपको करना ये है कि फिर से जाना है सेलेक्टिव टूल में, प्लस का आइकॉन लेंगे और इस बार ब्रश लेंगे। ब्रश का साइज होगा 42, फेदर होगा 100% और फ्लो होगा 54। ओके अब यहाँ पर जहाँ पर हमारा वो जो ग्लोइंग लाइट था इसे हमें सेलेक्ट करना है, इस सारे एरिया को मैं नीचे से थोड़ा सा, ये क्या हो गया, नीचे के भी एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट्स को, ये रहा। काफ़ी ध्यान से केयरफुली काम कीजिए। ओके अब आपको जाना है यहाँ पर लाइट में, एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसका, और कुछ बढ़ाना है क्या, आई थिंक हाईलाइट थोड़ा कम कर लेते, बहुत ज़्यादा हो गया। अब आपको कलर में जाना है, इसका कलर जो है चेंज करेंगे, करीब ग्रीन के पास ले जाएंगे। ओके तो मैं इसको ले जाता हूँ करीब 76 कलर होगा और सैचुरेशन होगा 75। फाइन तो ये देखिए ये एक असली वाला इफेक्ट आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पर चेंज करते हैं कलर में जाते हैं, नहीं सॉरी लाइट में, लाइट में इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम कर लेते हैं, एंड आई थिंक और कुछ कम करना है, हाईलाइट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसके बाद आपको कलर में भी कुछ खास है नहीं, छोड़ दीजिए, थोड़ी सी सैचुरेशन इसकी बढ़ा लेते हैं। इसके बाद आपको इफेक्ट में चलते हैं, इफेक्ट में इसकी क्लैरिटी बढ़ाएंगे करीब 30% और डीहेज होगा करीब 30%। ओके दोनों को 30-33 के पास में, विगनेट को कम कर लेते हैं करीब 20%। ओके ये अच्छी लग रही है। शार्पनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, करीब 70% मैंने शार्पनेस यहाँ पे ऐड किया है। अब नॉइस रिडक्शन 48% और कलर नॉइस रिडक्शन को भी करीब 41%। ओके तो आप देख सकते हैं ये धमाकेदार फोटो एडिटिंग बहुत अमेजिंग लग रही है। आई होप आप लोगों को ये फोटो एडिटिंग पसंद आएगी। इसके बाद फिर से सेलेक्टिव टूल में चलेंगे और यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे और नीचे का जो एरिया है उसको ब्लैक करना है। ओके तो यहाँ पर लाइट में चलते हैं, इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लेते हैं करीब 2.17 ev। ओके और 5% ब्लैक माइनस करेंगे। ओके ओके अब कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी आई होप, एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जो लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे लोगों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ओके तो जल्दी जल्दी 100K करो ताकि और भी धमाकेदार एडिटिंग आती रहेगी आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।